फ्रेंड नमस्कार, मैं मोनू सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट बल्डॉग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज मैं दिल्ली आया हूं और यहां पर बुक मार्केट है। यहां पर संडे के दिन फुटपाथ पर बहुत सारी बुक लगते हैं, शॉप लगते हैं, तो आप यहां पर दिखाता हूं यहां पर किस प्रकार का बुक लगता है। दोस्तों, एक तो यहां से आप होलसेल का सामान खरीद सकते हैं बुक के लिए, बुक और नोटबुक वगैरह। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ संडे को आते हैं तो सिर्फ संडे के दिन यहाँ पूरे फुटपाथ पर बुक का दुकान लगा होता है और यहाँ पे आप काफ़ी सस्ते से खरीद सकते हैं। खुद बच्चों के यूज के लिए भी ले सकते हैं और बिजनेस पर्पज से भी ले सकते हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे देखिए, आप पीछे दिख रहे हैं, बुक के बड़े बड़े शॉप मिल जाते हैं जो सातों दिन खुले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फुटपाथ पर दुकान लगते हैं वो आपको सिर्फ संडे के दिन ही ओपन मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा फुटपाथ पर वाले दुकान वाले को विजिट करवा देता हूँ। पहले भी मैं एक स्टेशनरी का बिजनेस बना चुका हूँ, उसमें इस दुकान के बारे में बता रखा हूँ, लेकिन आज मैं आपको फुटपाथ वाले दुकान के बारे में बताऊँगा और यहाँ पे कितने सस्ते में मिलते हैं क्या वो भी दिखाऊँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बुक ही बुक, बुक ही बुक, बुक ही बुक आपको हर तरफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बुक ऐसे मिल रहे हैं जैसे सब्जी मंडी में सब्जी मिलता है। दोस्तों, ये मार्केट लगभग 1.5 किलोमीटर में है। अगर हम ये सड़क पर जो दुकान लगाते हैं ये सिर्फ संडे के दिन ही लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप संडे के दिन भी अगर बिजनेस पर्पज़ से आते हैं तो आपके लिए दो तरीके का बेनिफिट हो सकता है। एक तो आप यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने यूज के लिए भी ले सकते हैं, और दूसरा, आप अगर होलसेल का सामान खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दुकान के अंदर से ही लें। ये दुकान लगभग आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक ओपन होते हैं, लेकिन 4-5 दुकान ऐसे हैं होलसेल का जो संडे को दिन भी ओपन कर लेते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं या खुद के लिए कुछ ऐसा बुक लेना चाहते हैं तो भी आप इस मार्केट में आकर ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब हम वीडियो आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि कितना दूर में मार्केट है और किसी से मिलाते भी हैं। दोस्तों, अब ये देखिए, आप यहाँ पर बड़ी बड़ी जो शॉप देख रहे हैं ये होलसेल मार्केट का शॉप है। संडे के दिन भी यहाँ पर 4-5 दुकानें होलसेल के लिए बड़ी बड़ी शॉप खुली रहती है, तो आप वहाँ से होलसेल का सामान खरीद सकते हैं और यहाँ से भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे दुकानदार भी होते हैं रोड के किनारे लगाए हुए जिनका होलसेल का बड़ा दुकान है, लेकिन संडे के दिन दुकान नहीं खोलते हैं और रोड पर सड़क पर ही लगा देते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति या किसी होलसेल वाले से मैं आपको थोड़ी देर में मिलाऊंगा। दोस्तों, अगर आप यहां पर आकर बुक खरीदते हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं कि बुक पर GST फ्री है, आपको कोई GST चार्ज नहीं देना होगा। देखिए, यहां अच्छी बुक है, खुला हुआ है। कितना का है ये अंकल? 50 रुपये का है। देखिए, 50 रुपये का, और ये 125 रुपये कीमत है इसकी। अच्छा है, अगर हम ज़्यादा करके लेंगे तो कम हो जाएगा क्या? अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के लेते हैं तो ये कम हो जाएगा। मैंने बात कर लिया है, 30 रुपये बोले हैं, हो जाएगा। तो ये बस 1-2 पीस लेते हैं, इसके लिए 50 रुपये हैं। तो यहाँ से आप होलसेल में लेंगे तो ही सस्ता में पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही अगर 125। ये है भारत भूगोल, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 1-2 दुकान का नंबर दे दूंगा आपको। देखिए, यहाँ पे शॉप है और चलिए हर एक प्रकार का बुक आपको मिल जाता है। कीमत देख लेते हैं, 70 रुपये। कितने का अंकल ये? 3 नंबर कितने का जी? 3 नंबर 30 रुपये। ये 30 रुपये का, अगर हम इसे बेचने के लिए लेते हैं तो? अच्छा, 30 रुपये है, किलो के भाव पे कम पड़ जाएगा, ये किलो पे मिलेगा, है ना? ये भी 30 का है।
ये भी 30 का है। अच्छा होलसेल का रेट है ये भाई साहब का, ये होलसेल का दुकान है और होलसेल में आप चाहें तो सामान खरीद सकते हैं, दुकान के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आपका दुकान कौन सा है? चिन के नाम से। यही है, यही रखा है, ये वाला है। अच्छा ये पूरा दुकान है इनका। अच्छा आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? कार्ड दे दीजिए। 72 88 98 कार्ड है? नहीं कार्ड हमारे पास है, उसका नंबर नहीं है हमारा। नंबर नहीं है, दे दीजिए ना नाम और नंबर बोल दीजिए। 72 100 88 908 908 सुभाष चंद्र अग्रवाल। ठीक है, इनका दुकान है और देख सकते हैं ये संडे के दिन फुटपाथ पे लगाते हैं क्योंकि पुलिस नहीं बोलती संडे के दिन फुटपाथ पे लगाने के लिए। और वैसे इनका दुकान है, पूरा शॉप है और होलसेल में यहाँ से सामान ले जा सकते हैं, जीएसटी फ्री है। और जो बाहर से एक दो पीस लेते हैं उनको 10-20 रुपये महंगा पड़ता है लेकिन होलसेल वाले को सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, इनका मैं नंबर दे दूँगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एड्रेस बात कर सकते हैं। कार्ड दे दीजिए, नंबर एक नहीं है कोई बात नहीं। हम प्रेसिडेंट इस मार्केट से। अच्छा आज हम लाए, ये आपका गूगल पे गूगल पे प्रचार होगा? हमारा गूगल पे होगा, सुभाष चंद्र अग्रवाल संडे को यार। और यहाँ पे नोटबुक वगैरह कैसे देते हैं, थोड़ा रेट बता दें उसका। नोटबुक का ऐसा है जी, यहाँ से वेट के हिसाब से मिलता है। कैसे किलो है? ऐसा था 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये 120 रुपये नोटबुक। नोटबुक बच्चों का जो किताब होता है वो कै रुपये किलो है? बहुत कम से कम रेट थे। अच्छा, बहुत कम से कम रिजनेबल प्राइस की है। हम इस मार्केट के प्रेजिडेंट हैं, मेरा नाम सुभाष चंद्र अग्रवाल है, 50 साल से मैं लगा रहा हूँ। अब सर आपने देख लिया ये 50 साल से यहाँ दुकान कर रहे हैं और यहाँ इनकी बुक ये सब देखिए काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगी। चलिए अब एक दो प्राइस का मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये सब जो बुक है ये इनके पास जो 100 रुपये कीमत है और ये 150 रुपये 130 रुपये किलो उपलब्ध है बुक। और एक किलो की बात करें तो ये कितना पतला है आप देख रहे हैं, ये 10 या 12 पीस आसपास आ जाएंगे। ये सब इसी रेंज में है, 150 रुपये के किलो के आसपास बुक है। नोटबुक वगैरह भी है तो ठीक है। नहीं नहीं बस ठीक है, थैंक यू। अब देखिए कोई भला आदमी होता है तो बता देता है बेचारा, नहीं तो सही वाले तो जानकारी ही नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मतलब इस मार्केट में आए और यहाँ पे आपको काम की भी चीज़ें मिल जाए, कोई सब बुक जो आपको नहीं मिलता हो तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉप ही शॉप है, ग्राहक दोबारा आएगा। दोस्तों एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं कि दोस्तों यहाँ के होलसेल का नंबर और एड्रेस वीडियो के सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से जाके बात कर सकते हैं और वहाँ से एड्रेस लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस का एक बेस्ट आइडिया है और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर टाइप करके बताएं। 10-10 रुपये 20-15 रुपये मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस फुटपाथ पर से लगभग 100 रुपये का बुक खरीदेंगे तो आपको 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये देने होंगे, लेकिन अगर आप यही बुक होलसेल में ख़रीदते हैं दुकान के अंदर से तो दोस्तों यहां पर आपको 150 रुपये किलो मिलेगा, यानी 150 रुपये का बुक जो होगा वो आपको 30 रुपये में ही मिल जाएगा। दोस्तों इसका नंबर और एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप इस मार्केट में जा सकते हैं। देख लिया दोस्तों ये मार्केट दिल्ली दरियागंज में स्थित है और संडे के दिन ये रोड पर मार्केट लगता है, बाकी आप स्टेशनरी का मार्केट 7 दिन ओपन रहता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं सामान। और यहाँ होलसेल के अगर पर्पज से आते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, अगर आसपास रहते हैं तो घूम सकते हैं, यहाँ आपको सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन जो बाहर से 2-4 पीस लेते हैं उन्हें नॉर्मल रेट देते हैं, लेकिन जो अगर सस्ते में लेना चाहते हैं होलसेल में तो 150 की बुक 30 रुपये पड़ते हैं किलो के भाव में यहाँ मिलता है, तो आप यहां देख सकते हैं। और ये मार्केट मैंने आपको बता दिया दिल्ली दरियागंज में स्थित है और ये लाल किले के पास है, लाल किले और जामा मस्जिद के पास है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन इन दोनों के बीच में है ये मार्केट।
तो ठीक है, और स्टेशनरी का दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं मेरा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके और देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदुस्तान।